क्लासेस के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि आपको पता है, अपन चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं, अजमेर सांभर के जवानों के बारे में। तो पिछली क्लास में अपन ने विग्रहराज चतुर्थ यानी किशनदेव के बारे में पढ़ा था। तो आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ। क्या, जब आप इतिहास को पढ़ो ना, तो उस समय कहने का मतलब मन के अंदर ये रखना चाहिए, क्या ये तो जस्ट शुरुआत है। बोलो बाबा, क्या ये तो जस्ट शुरुआत है, अंत अभी बाकी है, ये तो बहुत थोड़ा है, अनंत अभी बाकी है। तो ऐसे इतिहास की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपन को वो चीज़ें पढ़नी है जो अमूमन अपने प्रतियोगी एग्जामों में पूछी जाती है। तो उसी क्रम में अपन पृथ्वीराज थर्ड के बारे में आज बात करेंगे। तो पृथ्वीराज थर्ड के अगर जन्म की बात करें, जन्म तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1166 में, 1166 ईस्वी में। कहाँ पे, अनिल पाटन। और ये अनिल पाटन कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में, यहाँ पे इनका जन्म हुआ। किसका, इस पृथ्वीराज तृतीय का। उसके अलावा बात करें इनके बारे में महत्वपूर्ण बातों में, तो मात्र 11 वर्ष की अवस्था में, मात्र 11 वर्ष की अवस्था में शासक बना। कौन, पृथ्वीराज थर्ड, ये मात्र 11 वर्ष की अवस्था में शासक बना था। उसके अलावा अपन इनके विवाह की भी बात करेंगे, किस प्रकार और किनके साथ इनका विवाह होता है। तो इनके विवाह की बात करते हैं अपन। अजमेर के तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कौन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इधर बात करें अपन कन्नौज की, कन्नौज के शासक का नाम था जयचंद गैडवाल, जो किस वंश का था, यह था गैडवाल वंश का। कौन, जयचंद गैडवाल। और इसके एक पुत्री थी, और पुत्री का नाम क्या था, संयोगिता। क्या नाम था, संयोगिता। लेकिन इससे पहले कि एक बात मैं आपको बताऊं, तो ये जो अजमेर के पृथ्वीराज थर्ड थे, इनका ननियाल कहाँ पे पड़ता था, दिल्ली में। और इस संयोगिता का ननियाल भी कहाँ पे था, दिल्ली में। तो इन दोनों की दिल्ली में मुलाकात होती है, मुलाकात के साथ ही इन दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। फिर उसके बाद में अजमेर के पृथ्वीराज थर्ड कहाँ पे आ जाते हैं, अजमेर में। और ये संयोगिता कहाँ पे आ जाती है, कन्नौज में। और मैंने आपको ये जो बात बताई है, ये कहाँ की है, दिल्ली की। तो जब कन्नौज के शासक जयचंद गैडवाल को इस बात का पता चलता है, पर संयोगिता का मामला किसके साथ सेट हो रखा है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ सेट हो रखा है। तो ये जो संयोगिता थी, इस संयोगिता का क्या रस दिया जाता है, स्वयंवर। इसका क्या रस दिया जाता है, स्वयंवर। कहने का मतलब ये है, जब जयचंद गैडवाल को इस बात की जानकारी हुई कि यह संयोगिता इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय से प्रेम करती है, तो इस जयचंद गैडवाल के द्वारा इस संयोगिता का स्वयंवर रस दिया जाता है। और स्वयंवर में भारत के महान महान शासकों को बुलाया जाता है। लेकिन जो आमंत्रण, क्योंकि निमंत्रण और आमंत्रण में भी कहने का मतलब बहुत, जो ये दोनों शब्द है आमंत्रण और निमंत्रण, अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो आमंत्रण है वो किसको दिया, नहीं दिया जाता, तो आप बता सकते हो सर, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता है। और भारत के महान शासकों को
इस स्वयंवर में बुलाया जाता है और पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए इस जयचंद्र गैडवाल ने क्या किया, स्वयंवर में एक पाषाण प्रतिमा लगवाई। पाषाण प्रतिमा लगवाई और इस पाषाण प्रतिमा ये जो पाषाण प्रतिमा थी, इस पाषाण प्रतिमा के सामने ऐसा बोला गया कि सब अपने जो जूते चप्पल है वो इस पाषाण प्रतिमा के सामने खोलेंगे। तो इसका मतलब ये था कि जयचंद्र गैडवाल इसका अपमान कर रहा था, किसका, पृथ्वीराज चौहान कृत्य का। जब स्वयंवर में संयोगिता का आगमन होता है, भारत के महान महान शासक इस स्वयंवर में बैठे हुए थे, लेकिन संयोगिता के द्वारा क्या किया जाता है, ये जो पाषाण प्रतिमा थी यानी सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन सुन, मैंने तुझको चुन लिया तू भी मुझको चुन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संयोगिता थी इसके द्वारा उन भारत के कहने का मतलब उन शासकों को न चुनकर इसको चुना जाता है, इस पृथ्वीराज थर्ड की पाषाण प्रतिमा को। और इस स्वयंवर में जो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, इसका एक दरबारी विद्वान था चंद्रव्रदाई, ये भी स्वयंवर में था, ये चंद्रव्रदाई भी स्वयंवर में था। तो जब चंद्रव्रदाई को इस बात का पता चला कि संयोगिता के द्वारा इस पाषाण प्रतिमा का वर्ण कर लिया गया है, तो इस चंद्रव्रदाई ने जानकारी किसको दी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय यहाँ से रवाना हुआ और इसने यहाँ से संयोगिता को उठाया और उठा के लेके कहाँ पे आ गया, अजमेर आ गया। और इसके साथ कौन सा विवाह किया, तो आप याद रखना कौन सा विवाह किया, गंधर्व विवाह, मतलब जो प्रेम विवाह होता है इसको ही अपन क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह। आपको पता होगा जब कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी के साथ रुक्मिणी का हरण किया था, कहने का मतलब वो भी एक प्रकार का गंधर्व विवाह ही था। तो इस पृथ्वीराज थर्ड के द्वारा इस संयोगिता के साथ कौन सा विवाह किया गया, गंधर्व विवाह। और जब इन दोनों का विवाह हो गया तो विवाह के पश्चात इन दोनों को एक पुत्र पैदा हुआ, पुत्र, और पुत्र का नाम क्या था, गोविंद राज चौहान। और ये गोविंद राज चौहान कौन है, जब मैंने आपको रणथंभौर पढ़ाया था उस समय आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंद राज चौहान के द्वारा 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इस प्रकार इन पृथ्वीराज चौहान तृतीय और संयोगिता का ये विवाह होता है। आप इसको नोट आउट कर सकते हो और आप इसके चाहो तो अच्छी तरह से नोट्स भी बना सकते हो। अब अपन आगे की बात करें तो कुछ बातों की चर्चा अपन यहीं पे करें, तो जैसे कि चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो अभी केवल मैंने आपको ये बताया है कि अजमेर के इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय और कन्नौज के शासक जयचंद्र गैडवाल की पुत्री संयोगिता का आपस में विवाह हो जाता है। और विवाह कौन सा होता है, तो आपको बताएं सर, इनका गंधर्व विवाह होता है, कहने का मतलब प्रेम विवाह होता है। इसके आगे की चर्चा अब अपन करते हैं कि इनके संरक्षक कौन थे, किस प्रकार ये शासक बने, मात्र 11 वर्ष की अवस्था का बच्चा किस प्रकार भारत का एक महान शासक बना, इन सब बातों की अपन चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज थर्ड भारत के पराक्रमी सम्राटों में माने जाते हैं। और ये जो युद्ध था तराइन का, जो फाइनल युद्ध, कहने का मतलब जो द्वितीय युद्ध था, ये भारत के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। तो अब अपन बात करें किसके बारे में, उसी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, तो मैंने जन्म बता दिया, मात्र 11 वर्ष की अवस्था का बालक एक शासक कैसे बना, इनकी शादी के बारे में बता दिया। अब बात करें इनके पिता की, पिता का नाम था सोमेश्वर। बात करें माता की, माता
तो माता का नाम था कपूरी देवी या कर्पूरी देवी और ये इनकी संरक्षिका भी थी, ऐसा पूछा भी जा चुका है। संरक्षिका क्या थी इनकी? संरक्षिका कहने का मतलब ये जो पृथ्वीराज थर्ड थे इनकी संरक्षिका कौन थी? कहने का मतलब इनके पिता का देहांत हो गया था, इसी कारण इनकी संरक्षिका कौन थी? कर्पूरी देवी। उसके अलावा इनके प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री का नाम अपन को क्या मिलता है? केमाश, या अपन लिख सकते हैं कैलाश। प्रधानमंत्री का नाम क्या मिलता है? केमाश या फिर मिलता है कैलाश। उसके अलावा बात करें अपन उपाधियां, कौन कौन सी इनकी उपाधियां हैं, तो उपाधियों में आप बताओगे राय पिथौरा और दूसरी उपाधि बताओगे आप दल पंगुल। राय पिथौरा और दूसरी जो उपाधि है वह क्या है? दल पंगुल। और दल पंगुल को क्या बोला जाता है? विश्व विजेता, विश्व विजेता। तो दो इनकी उपाधियां हैं, एक तो है राय पिथौरा और दूसरी है दल पंगुल, जिसको विश्व विजेता भी कहा जाता है। उसके अलावा आगे बात करें अपन तो इनके कुछ दरबारी विद्वान थे, उनकी भी बात करें। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वानों में आप लिख सकते हो चंद्रव्रदाय, संदव्रदाय। उसके अलावा बात करें अपन जयानक भट्ट की, जयानक भट्ट। उसके अलावा जनार्दन की बात करें, बात करें अपन बागेश्वर की, आशाधर की बात करें और विद्यापति गौंड। विद्यापति गौंड तो ये इनके दरबारी विद्वान थे, चंद्रव्रदाय, जयानक भट्ट, जनार्दन, वागीश्वर, आशाधर और विद्यापति गौंड। पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी या कपूरी देवी जो इनकी रक्षिका भी थी, और प्रधानमंत्री कैलाश या कैलाश। उपाधियां बताई मैंने आपको राय पिथौरा या दल पंगुल या फिर इसको विश्व विजेता भी कहा जाता है। उसके अलावा अपन बात करें सैन्य अभियानों की, सैन्य अभियान कौन कौन से सैन्य अभियान किए गए इनके द्वारा, तो इसने क्या किया? नागार्जुन का दमन किया। नागार्जुन ये इसका छोटा भाई था, नागार्जुन का दमन किया। उसके अलावा भंडानक जाति का भी दमन किया गया, भंडानक जाति का दमन क्या किया? भंडानक जाति का भी दमन कर दिया। आगे बात करें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे एक युद्ध होता है, तो युद्ध के बारे में भी बात करते हैं। अजमेर के शासक कौन? अजमेर के शासक वही पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। और इधर बात करें चंदेल शासक, चंदेल शासक, और चंदेल शासक थे इसमें परमर्दी देव चंदेल। कौन थे? परमर्दी देव चंदेल। और युद्ध कौन सा था? महोबा, महोबा या तुमुल का युद्ध। और युद्ध कब हुआ? 1182 ईस्वी को। और ये महोबा पड़ता कहाँ पे? आप याद रख सकते हो यूपी में। तो अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय, युद्ध कौन सा? महोबा तुमुल या यूपी का युद्ध 1182 को। एक तरफ चंदेल शासक परमर्दी देव चंदेल
और परमरदी देव चंदेल के दो सेनापति, एक का नाम आला और दूसरे का नाम उदल। उदल तो एक तरफ आला और उदल और दूसरी तरफ अजमेर के पृथ्वीराज थर्ड के बीच में ये युद्ध हुआ। दोनों तरफ से सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में हुआ क्या, इस पृथ्वीराज चौहान को क्या मिली, विजय मिली। कहने का मतलब ये विजयी रहा और इन दोनों की क्या हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब इस परमरदी देव चंदेल को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। तो मैंने आपको बताया है कि इसके पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी, प्रधानमंत्री कैमाश या फिर कैलाश और उपाधियां थीं किराए पिथौरा या फिर दल पंगुल या फिर विश्व विजेता जिसे अपन कह सकते हैं। और सैन्य अभियानों की बात करें तो नागार्जुन का दमन किया इसने भंडानक जाति का भी दमन किया। उसके अलावा महोबा का युद्ध हुआ 1182 में, इसको महोबा तुमुल या फिर यूपी का युद्ध भी कहते हैं। और 1182 को ये युद्ध हुआ था और एक तरफ इसमें अजमेर के पृथ्वीराज चौहान कृत्य, दूसरी तरफ चंदेल शासक परमरदी देव चंदेल, इसके दो सेनापति आला एंड उदल, और ये आला उदल इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। फिर मैंने आपको दरबारी विद्वानों के बारे में बताया, चंद्रप्रदाय, जयानक भट्ट, जनार्दन, वागीश्वर, आशाधर और विद्यापति गौंड, ये इनके दरबारी विद्वान थे। तो इसके पश्चात अब अपन बात करने वाले हैं तराइन के पहले युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। इसी के साथ फिर अपना ये जो अजमेर सांबर के चौहान है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अपन चर्चा किसके बारे में करेंगे, चर्चा करेंगे जो तराइन का पहला युद्ध है 1191 को जो लड़ा गया था इसके बारे में। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है कौन कौन सी उपाधियों से इसको विभूषित किया गया था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था। लेकिन आप इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखना क्या, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की संरक्षिका कौन थी। तो संरक्षिका में आप क्या बताओगे, संरक्षिका में बताओगे इनकी माता का नाम, और माता का नाम क्या था, कर्पूरी देवी या जिसको अपन कर्पूरी देवी भी कहते हैं। तो अब अपन जो तराइन का पहला युद्ध है इसकी बात करेंगे और हुआ कब था। जैसा कि आपको पता होगा 1191 को ये युद्ध हुआ था। तो इधर अजमेर के वही शासक अजमेर और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और युद्ध कौन सा, तराइन का प्रथम युद्ध। और यह युद्ध हुआ कब, 1191 ईस्वी को। और एक तरफ गजनी, और गजनी के इसमें शासक गजनी कहाँ पे पड़ता है, अफगानिस्तान में, कहाँ पे पड़ता है, अफगानिस्तान में। और यहाँ के शासक थे मोहम्मद गोरी जिसका दूसरा नाम शियाबुद्दीन गोरी। क्या मोहम्मद गोरी या शियाबुद्दीन गोरी इस गजनी के शासक थे। तो तराइन का पहला 1191 को इधर अजमेर के पृथ्वीराज थर्ड और पृथ्वीराज थर्ड के साथ में इनके सेनापति की बात करें तो इनका जो सेनापति था चामुंडराय। और इनका एक सेनापति और था जिसका नाम था खांडे राय। उसके अलावा इनके साथ में था दिल्ली का गवर्नर और गवर्नर का नाम था गोविंद राज तोमर।
और होता क्या है यहाँ पे, ये तवरिंद है, भटिंडा कहने का मतलब भटिंडा। तो इस मोहम्मद गोरी के द्वारा इस भटिंडा वाले क्षेत्र पे क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है, अधिकार। और ये मोहम्मद गोरी आगे भी भारत के क्षेत्रों पे अधिकार करना चाहता था। तो जब भटिंडा पे इसका अधिकार हो जाता है और इस चीज की जानकारी जब अजमेर के पृथ्वीराज थर्ड को पता चलती है, तो ये पृथ्वीराज थर्ड अपने साथ में चामुंडराय, खांडे राय और दिल्ली का गवर्नर गोविंद राज तोमर, ये तीनों कहाँ पे आ जाते हैं, करनौल हरियाणा में, करनौल हरियाणा में, हरियाणा में। और यहाँ पे ये युद्ध होता है, तराइन का पहला युद्ध। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं। और इस सियाबुद्दीन गोरी की हार हो जाती है, सियाबुद्दीन गोरी की इस युद्ध में क्या होती है, हार। क्योंकि दिल्ली का गवर्नर गोविंद राज तोमर जब तीर के इसके द्वारा जब तीर चलाया जाता है तो उस तीर से ये घायल हो जाता है मोहम्मद गोरी, और वापस गजनी अफगानिस्तान में चला जाता है। तो इस प्रकार तराइन का पहला युद्ध करनाल हरियाणा में 1191 को हुआ, और रीजन क्या था, इसके द्वारा भटिंडा पे अधिकार कर लिया जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा, सेनापति चामुंडराय और खांडे राय थे। इस प्रकार इस तराइन के पहले युद्ध में ये जो पृथ्वीराज चौहान था ये विजयी रहता है। इसके बाद में तराइन के सेकंड युद्ध की बात करते हैं, पर तराइन का सेकंड युद्ध, और युद्ध कब हुआ, 1192 ईस्वी को। एक तरफ वही पृथ्वीराज थर्ड और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी। तो इन दोनों के बीच में वापस ये युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध से पहले क्या था, किवाम उल मुल्क। मेरे कहने का मतलब यह है, तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, ये युद्ध होने से पहले मोहम्मद गोरी के द्वारा किवाम उल मुल्क को संधि वार्ता के लिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास में भेजा जाता है, लेकिन मोहम्मद गोरी के द्वारा पीछे से वापस आक्रमण कर दिया जाता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा, और मोहम्मद गोरी को इसमें क्या मिली, जीत मिली। तो कहने का मतलब आपको ये याद रखना है, तराइन का सेकंड युद्ध 1192 को हुआ, कहाँ पे हुआ, करनौल हरियाणा में। हार किसकी हुई, पृथ्वीराज थर्ड की, और जीत किसको मिली, मोहम्मद गोरी को। और संधि वार्ता के लिए किसको भेजा गया था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किवाम उल मुल्क को इस युद्ध में संधि वार्ता के लिए भेजा गया था। और ऐसा माना भी जाता है कि जब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, तो हार होने के बाद में क्या है, का जो ये मोहम्मद गोरी था, ये इसको अपने साथ वहाँ पे ले जाता है, कहाँ पे, गजनी में, और इसकी आंखों के पट्टी बांध दी जाती है। और फिर इसको कहने का मतलब बाण चलाने के लिए बोला जाता है, और ये पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाने में कहने का मतलब मशहूर था। तो फिर चंद्रवदाय के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की शान में लिखा भी जाता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो ऐसी पंक्तियाँ इस पृथ्वीराज थर्ड की शान में लिखी जाती है। और इसके अलावा पृथ्वीराज थर्ड के अगर घोड़े की बात करें, घोड़े, तो घोड़े का नाम क्या था, नाट्यरंबा। ये भी नाम आप याद रखना, इनके घोड़े का नाम क्या था, नाट्यरंबा था। उसके अलावा आपको आपने नाम सुना होगा किसका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, ख्वाजा मोइनुद्दीन, यहाँ पे लिखता हूँ, आपने नाम सुना होगा किसका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम। तो ये जो तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, इस तराइन के सेकंड युद्ध में ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस मोहम्मद गोरी के साथ पहली बार हमारे
राजस्थान के अजमेर जिले में आया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत में आए थे, तो किसके शासनकाल में आए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। तो इसके बाद में अपनी जो अगली क्लास है वो अगली क्लास अपनी होगी बीकानेर के राठौर राजवंश के बारे में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ये जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उनको अच्छे से आप नोट्स बनाओ और तैयार करके अपनी तैयारी को मजबूत करो, क्योंकि अभी आपको पता होगा जैसे जनवरी फरवरी के समथिंग राजस्थान सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये ट्वेल्थ लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों पे होगा। और जब राजस्थान का एग्ज़ाम है तो शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें राजस्थान जीके नहीं पूछा जाए, बाकी सभी एग्ज़ामों में चाहे राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप आरएस से लेकर ग्रुप डी तक देख सकते हो, कहने का मतलब फोर्थ क्लास की जो वैकेंसी होती है वहाँ तक देख सकते हो, सभी में राजस्थान जीके पूछा जाता है। और राजस्थान जीके का लगभग ये मानो आप 60-70% तक वेटेज भी रहता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।